इंदौर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने एनजीओ की मदद से प्लेटफॉर्म स्कूल की शुरुआत की है। प्लेटफॉर्म पर लगने वाले स्कूल में चिन्हित बच्चों को खेल खेल में शिक्षित किया जा रहा है। इंदौर रेलवे स्टेशन पर आपको बच्चे पढ़ते हुए दिखें तो शायद आश्चर्य होगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर जीआरपी पुलिस ने एक स्कूल की शुरुआत की है। दरअसल यह स्कूल एक एनजीओ की मदद से चलाया जा रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म के आसपास भीख मांगने वाले बच्चे और नशे के आदि बच्चों के साथ बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने का एक प्रयास है। जीआरपी पुलिस ने इस योजना को शुरू करने के लिए एक एनजीओ को जिम्मेदारी दी है। संस्था जन साहस के संचालक कर्नल राठौर ने बताया कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म के चिन्हित बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना सिखाते हैं और फिर उन्हें इस लायक बनाया जाता है कि वे स्कूल जाना शुरू कर दें। जन साहस मध्य प्रदेश के 36 जिलों में खास करके पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के साथ में मिलकर काम कर रही है और देश के 7 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो महिला और बालिकाओं के विरुद्ध जो होने वाली जो लैंगिक हिंसा है उसके रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं और जो ट्रैफिकिंग है या बाल श्रम या बंधक श्रमिक है इसके रोकथाम और बच्चों को एजुकेशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज बड़ी एक अभिनव पहल है जो एडीजी रेलवे की तरफ से, अरविंद जी की तरफ से और जो एसपी मैडम है किरण लता केरकट्टा इंदौर जोन उनकी तरफ से और एडिशनल एसपी जो राकेश खाका जी है उनकी तरफ से, और आज एक रेलवे प्लेटफॉर्म स्कूल का इनोग्रेशन हुआ है फॉर्मली। और यहाँ पर आज 8 बच्चे हैं जिसमें बालक बालिकाएं दोनों हैं और इनकी जो एज ग्रुप है ये 14 साल से कम के बच्चे हैं। तो आज हम यहाँ पर ELP जो पद्धति है उसके माध्यम से बच्चों को खेल खेल में हमको शिक्षित करने का काम है और उनकी क्षेत्रीय भाषा में वो जो भी समझते हैं कि आम को क्या बोलते हैं या उसको केरी भी बोलेंगे फल भी बोलेंगे, तो वैसे उनको एक पढ़ाना है समझाना है। और ये एक माध्यम केवल पढ़ाना ही नहीं है, लेकिन कई बार पूर्व में भी जो मीडिया के अंदर में आया है और प्रशासन को भी ऐसे केसेस मिले हैं कि कई बार बच्चों से भिक्षावृत्ति के साथ साथ उनका ट्रैफिकिंग या खरीद फरोख्त के मामले भी देखने को मिले हैं प्रदेश के अंदर में। तो आज तो हम केवल पढ़ाने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन यही बच्चे जो आगे चल के देश का भविष्य और कहीं ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो, वो एक बड़ी ही रेलवे पुलिस के माध्यम से यहाँ पर रोकथाम और प्रिवेंशन का काम हो रहा है और बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हम पुलिस प्रशासन, जन साहस और रेलवे चाइल्ड लाइन मिल करके एक काम की शुरुआत की आज से यहाँ पर इंदौर में। अभी ट्रेनों का आवागमन चालू हुआ है क्योंकि कोविड से पहले सारी ट्रेनें बंद थी, तो वो एक समय था कि जब काफ़ी नंबर पे बच्चे निकलते थे, लेकिन जो रेलवे स्कूल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई तो हमारी जो टीम है पुलिस की टीम है, रेलवे चाइल्ड लाइन है जनसाहस की, हम पहले बच्चों को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चिन्हीकृत कर रहे हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्लेटफॉर्म पर हैं या यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। तो वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने के साथ में हम अभी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। अभी तो ये जो 15-20 दिन का जो केसेस है तो इसमें कोई ऐसा बच्चा हमको नशा करता हुआ नहीं पाया गया, लेकिन डेफिनेटली भविष्य में हम ऐसे बच्चों को भी जो है नशे से बाहर लेकर के आएंगे, उनकी भी शिक्षा के लिए काम करेंगे और उनका पूर्ण रूप से पुनर्वास हो, उसके लिए रेलवे पुलिस, जनसाहस और चाइल्ड लाइन मिलकर हम काम करेंगे। GRPSP किरण लता केलकटा ने बताया कि प्लेटफॉर्म स्कूल के लिए फिलहाल 10 बच्चों को चिन्हित किया गया है जिन्हें खेल खेल में साक्षर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे इंदौर जोन में लगभग 10 थाने और 7 चौकियां हैं और जिसमें बड़े थाने इंदौर है, उज्जैन, रतलाम, नागदा, देवास हैं। यहाँ पर लगभग पूरे जोन में 400 से अधिक ट्रेनें आती हैं और हर स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हैं
जो कोई भीख मांग रहा है या कोई बलून बेच रहा है या पन्नी उठा रहा है या बोतल उठा रहा है या कोई छोटा मोटा होटल में काम कर रहा है, तो हमारे जो एडीजी सर है रेलवे के, जो एडीजी अरविंद कुमार साहब हैं, उनका ये मंशा था कि हम इन बच्चों को साक्षर करें, और उनके इस मंशा को पूरा करने के लिए हम लोगों ने प्लानिंग किया। एक डेढ़ महीने पहले ही हम मीटिंग हर थाने पे कर चुके हैं वहाँ के एनजीओ के साथ में, चाइल्डलाइन के साथ में, कि हम इन बच्चों को चिन्हित करना है। बच्चे चूँकि अभी ट्रेनें लगभग 48 ट्रेनें चल रही हैं और प्लेटफॉर्म भी इतने ज़्यादा नहीं भरते हैं, नहीं आते हैं बच्चे भी इतने नहीं आते हैं, तो अभी जीआरपी इंदौर जो है उसने 8-10 बच्चों को चिन्हित किया है। और चिन्हित करने के बाद जब उन्होंने हमें सूचना दी तो हमने जन साहस एक संस्था है, एनजीओ है जो बच्चों और महिलाओं के लिए काम करती है, उसको संपर्क में लिया। और वो उनकी जो पद्धति है खेल खेल में पढ़ाने की पद्धति है, उनकी भाषा में पढ़ाने की पद्धति है, अपने उनका जो माहौल है उसको देखकर वो पढ़ाते हैं, उस पद्धति से पढ़ाने का, पढ़ाना नहीं उसको साक्षर करना है। साक्षर करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि वो बच्चे स्कूल पहुँचे, जो हमारा जो हमारे राज्य का जो एक संस्था है स्कूल जो हम जाते हैं, पहले उसको साक्षर करना है, स्कूल की जाने के लिए मोटिवेट करना है, उसको साक्षर बना करके मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि ये बच्चे आगे चल करके इस देश के अच्छे नागरिक बन सके, ये इसका मेन उद्देश्य है। साथ ही हम बच्चों को अपराधों से रोकना भी चाहते हैं, जो प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे रहते हैं वो कभी ड्रग्स में और कभी चोरी चकारी में लग जाते हैं, तो जब बच्चे स्कूल आएंगे हमारे पास आएंगे, जब पुलिस को देखेंगे, पुलिस के मित्र बनेंगे, पुलिस के मित्र बनेगी, तो वो पुलिस का भय भी ख़त्म होगा और वो समझ सकेंगे पुलिस क्या करती है। तो जब बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे तो वो अपराधों की ओर से भी जाएंगे, साथ ही अगर कोई बच्चा अपराध का शिकार होता है, ट्रैफिकिंग का शिकार होता है, तो बच्चा भी हम उसको बचा पाएंगे। हो सकता है कि भीख मांगने वाला कोई ग्रुप हो, अभी तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा संग्रह, कुछ संगठन हो जो बच्चों को ऐसा काम करा, तो वो ऐसे संगठनों के विरुद्ध भी हम काम करेंगे। 18 से जो बालक बालिकाओं का जो एज है 18 से कम उम्र के बच्चे, सभी बच्चों को हम उसमें शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल 8 या 9 बच्चे आए हैं, एक फैमिली के 5 बच्चे हैं और 8 बच्चे हैं, तो ये हो सकता है कि और बच्चे आए हमारे पास, चूँकि भी शुरुआत है तो और बच्चे चिन्हित हो सकते हैं। ये बिल्कुल ये स्कूल आगे भी रहेगा, चूँकि पुलिस अपना काम, पुलिस का काम अपराधों की रोकथाम करना है, विवेचना करना है, तो संभवतः पुलिस इसमें ज़्यादा नहीं घुस सकती, इसलिए हमने कोशिश की है कि हम चाइल्डलाइन और जनसाहस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि यह बनी रहे, ये नींव हम देना चाहते हैं, ये बच्चे आगे, ये जो पहल है ये आगे भविष्य में भी बनी रहे, बच्चों को ये पढ़ा सके। क्योंकि जब कोई चीज़ें शुरू करते हैं तो अगर पुलिस करेगी तो फिर जब, चूँकि ये व्यक्ति विशेष का हो जाता है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि मिलजुल के काम करें, तो हम लोगों ने इसमें चाइल्डलाइन को और जनसाहस को और पुलिस, तीनों संस्थाएं हम लोग मिलके ये हम काम कर रहे हैं। हमारे पास नगर रक्षा समिति भी है, वो भी इसमें जुड़ जाएगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जीआरपी पुलिस का यह प्रयास रेल में भीख मांगने वाले या अपराध की दिशा में जाने वाले बच्चों को सही दिशा पर लाने का प्रयास है। यह प्रयास सफल होता है तो रेलों में अपराध और भीख मांगने वालों की संख्या भी खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।